नमस्कार, परी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोदक बनाना सिखा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये मोदक जो है मेरी पत्नी बना रही है और इस वीडियो में आवाज़ सिर्फ मेरी है। तो ये देखिए, ये जैसे तैयार हुए हुए मोदक है और ये कच्चे मोदक है। तो यहाँ पे आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से कच्चे मोदक तैयार किए जाते हैं ताकि आप गणपति को इन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ा सकें। और यहाँ वैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जिस घर में गणपति को मोदक जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है उस घर में धन धान्य आदि की कभी कमी नहीं रहती और विघ्नहर्ता उस घर के सारे विघ्नों को हर लेते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे ये मोदक बनाए जाते हैं। अब मोदक बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले जो है हमने गुड़ को थोड़ा सा बारीक पीस लिया था, देखिए छोटा छोटा कर लिया था, और उसके साथ में यहाँ पर देसी घी लिया हुआ है। यहाँ पे हमने ये अमूल का ही देसी घी यूज़ कर रहे हैं और ये नारियल का बुरादा है, सूखा नारियल है बिल्कुल किसा हुआ बारीक। इसके अलावा ये बेसन लिया हुआ है हमने और साथ में जो है आटा लिया हुआ है और उसके साथ में तेल लिया हुआ है और इसके साथ में ही हमने इलायची को बहुत ही बारीक सा पीस करके साथ में लिया है। यहाँ पे नारियल का बुरादा हमने सूखा इसलिए लिया है कि अगर आप बिल्कुल ही ताज़ा नारियल को अगर कीस करके आप मोदक के अंदर डालेंगे तो मोदक इतना अच्छा नहीं बनेगा और कई बार वो तलते वक्त फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर से रस बहने लगता है। यहाँ पे सबसे पहले आप आटे में थोड़ा सा तेल मिला करके और पानी वगैरह मिला करके उसको अच्छी तरह से गूँथ लीजिए और इस प्रकार से गूंथिए कि आपको बाद में मोदक को तेल में तलना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पत्नी ने किस प्रकार से यहाँ पर आटे को गूंद लिया है। तो आइए अब हम मोदक के अंदर का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गैस को ऑन करके कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके अंदर दो बड़े चमचे देसी घी के डाल दीजिए और जैसे ही ये घी गर्म होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर जो गुड़ जो था जिसको हमने कि बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में पीस लिया था, अब आप उस गुड़ को इस घी में डाल दीजिए और हिलाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक या दो मिनट के अंदर ही ये गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। और अब जैसे ही ये गुड़ पिघलना शुरू हो जाए तो उसके बाद जो बेसन है हमने जो आपको दिखाया था वो थोड़ा सा बेसन लेकर के अब आप उसको इस गुड़ में मिला दीजिए और इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जैसे ही ये बेसन और गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब आप उसके अंदर जो नारियल का बुरादा था उसको आप डाल दीजिए और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर सूखा होगा तो आपका मिक्सचर अच्छा बनेगा और अगर ये गीला होगा तो फिर आप बिल्कुल नया ताज़ा नारियल लेंगे, गीला नारियल लेंगे तो ये मिक्सचर इतना अच्छा नहीं बनेगा और फिर ये उसके अंदर से चाशनी छूटनी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये नारियल का जो बुरादा है उसको मिक्स कर दिया है और इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप जो बारीक इलायची है जिसको हमने पीस लिया था, अब देखिए अब आप इस इलायची को भी इसके अंदर मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद अब आप इसको अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए और इसको ठंडा हो जाने दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हाथों से तोड़ करके इसको एक बार अच्छे से इसको बारीक बारीक कर लीजिए क्योंकि अब इसको हमको आटे के अंदर भरना है। अब आप जैसे पूरी बनाते हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा मोटा आटा रख करके आप बेलन से आटे को बेल लीजिए और उसके बाद अब हम यहाँ पे आपको मोदक बनाने के दो तरीके बता रहे हैं। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप मोदक बना सकते हैं जो आपको आसान लगे, क्योंकि मुख्य बात यह है कि जब आप उसके अंदर गुड़ आदि वाला मिक्सचर भर रहे हैं तो ये मोदक जो है ये अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, मतलब पैक हो जाना चाहिए,
ताकि इसके अंदर तेल या घी जो है वो ना घुसे उसके अंदर कहीं से। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बना के बता दिया है, तो आप दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से मोदक यहाँ पे हम पैक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले से काफ़ी सारे मोदक जो है वो कच्चे बना करके रख लिए हैं। अब हम इनको तलने जा रहे हैं और ये तलने की प्रक्रिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस प्रकार से तला जाए ताकि आपके मोदक ख़राब ना हो और उसके अंदर घी ना घुसे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने घी को गर्म कर लिया है कढ़ाई में। और अब जब ये घी अच्छी तरह से गर्म हो गया तो अब हम यहाँ पे देखिए दो मोदक डाल रहे हैं। तो ये जो मोदक डालने की प्रक्रिया, वो देखिए इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पहले कढ़ाई के अंदर घी में डुबोया जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है पहले उसको घी में डाला जाता है ताकि वो जो है वो कच्चा ना रह जाए, और वो पक जाएगा वहाँ से वो अच्छी तरह से तल जाता है तो बाकी का पूरा मोदक ढंग से बनता है। और इसमें से इसके अंदर न तो घी अंदर जाता है ना ही ये मोदक फटता है। तो ये प्रोसीजर जो है आप देख लीजिए, इस प्रकार से जब आप मोदक बनाएंगे तो आपके मोदक बहुत ही अच्छे और बढ़िया बनेंगे। अब आप देखिए किस प्रकार से मोदक को यहाँ पे हिलाया भी जा रहा है ताकि जो है इसका कोई भी हिस्सा कच्चा ना रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मोदक कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी गणपति जी के लिए इसी प्रकार के मोदक बना सकेंगे घर पे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसमें हमने खास करके इंडक्शन कुकटॉप आदि और लाइफस्टाइल और ट्रैवल के भी हम कई वीडियोस डालते हैं, तो आप उन्हें भी इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।